राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जयपुर के सियासी गलियारों में ये चर्चा खूब हो रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस से अपनी राहें अलग करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। हालांकि सचिन पायलट ने क्या तय किया है ये तो वही जानते हैं, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा और पायलट दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। रंधावा कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन पायलट और उनके समर्थकों के तेवर बार बार 11 जून की ओर इशारा कर रहे हैं। जाहिर है ये मौका न सिर्फ राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने का है, बल्कि पायलट के लिए शक्ति प्रदर्शन का एक और जरिया हो सकता है। 11 जून 2023 को पायलट और उनके समर्थक क्या करेंगे ये पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जिन मांगों को लेकर वो जनसंघर्ष यात्रा निकाल चुके हैं, उन मुद्दों से पीछे हटने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। यानी मतलब साफ है कि पायलट पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वो 11 जून को कितना आगे तक जाएंगे इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के लिए 11 जून का दिन बड़ा तूफान ला सकता है, जिसके संकेत सचिन पायलट लगातार दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो राज्य के युवाओं समेत यहाँ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि दिक्कत यह है कि उनकी ये हद अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दहलीज से शुरू होकर उनकी कुर्सी तक पहुंचती है। यानी पायलट की जो भी मांगे हैं उन्हें लेकर हर बार गहलोत सरकार पर ही निशाना साधा जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री गहलोत ये सारी मांगे मान भी लेते हैं तो पायलट के पॉलिटिकल प्रेशर का संदेश पूरे राज्य में जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं जैसा कि अब तक देखा गया है, तो समझिए कि पायलट को अपने तेवर और तीखे करने हैं। खबर यह भी है कि सचिन पायलट राजस्थान की जनता की मांगों के बहाने गहलोत और हाईकमान दोनों पर दबाव बनाना चाहते हैं। या तो उनके साथ अभी कोई डील की जाए, ऐसी डील जिस पर चुनाव के बाद सत्ता आने पर मुहर लगे, या पार्टी हाईकमान उस डील से संबंधित कोई बड़ा ऐलान कर दे। हालांकि दोनों ही बातें फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। 20 मई 2020 को मानेसर में सचिन पायलट की बगावत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस हाईकमान कभी नहीं भूल पाई। उस वक्त पायलट ने पूरी पार्टी और गहलोत सरकार को सदमा दे दिया था। उस वक्त पायलट के बागी खेमे में 30 विधायकों का दावा किया जा रहा था, हालांकि पहुंचे थे सिर्फ 19 विधायक। यानी जिन लोगों पर भरोसा करके पायलट ने बगावत का बीड़ा उठाया था, उनमें से 11 विधायकों ने गहलोत कैंप का रुख कर लिया था। तभी से माना जा रहा था कि गहलोत की सियासत में जादूगरी अभी भी बाकी है, इसलिए वो पायलट गुट के 11 विधायकों को बगावत से अलग करने में कामयाब रहे। अब मानेसर वाली बगावत के 3 साल बाद यानी कि 11 जून 2023 को पायलट एक बार फिर से बागी तेवर दिखाने की तैयारी में है। यह भी तय है कि दोसा वाली बगावत की तुलना मानेसर वाली बगावत से जरूर की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पायलट मानेसर से दोसा तक के बागी सफर में 30 के मुकाबले 15 विधायकों का साथ गंवा चुके हैं। हालांकि अब भी पायलट खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके पास 30 के आसपास विधायक हैं, जिनमें कुछ मंत्री भी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सचिन पायलट के पास सिर्फ 15 ही विधायकों का साथ बचा है। हालांकि यह भी दिलचस्प है कि सचिन पायलट जिस गुर्जर बिरादरी से आते हैं उसका वोट बैंक राजस्थान में करीब 5% के आसपास है, लेकिन बिरादरी के लोगों का जो असर है वो करीब 40 विधानसभा सीटों पर है। इससे 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इतनी सारी सीटों पर असर रखने वाले को कोई भी दल नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अब तक चाहकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं ले सके। गुर्जर समाज के बीच राजेश पायलट की लोकप्रियता के बाद सचिन पायलट ने वो सेहरा अपने सिर पर बांधने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रखा है। वो हर बार गहलोत से भिड़ने के दौरान गुर्जर बिरादरी का दमखम दिखाने की हुंकार भरते नजर आते हैं। ऐसे में न तो मुख्यमंत्री गहलोत और न ही हाईकमान पायलट को दरकरार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। शायद इसीलिए 11 जून को अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर पायलट ने पावर पॉलिटिक्स का साइलेंट हथियार बनाने का इशारा दे दिया है। 11 जून को अपने गृहनगर दौसा की धरती पर गुर्जरों की एकजुटता और संख्या बल ही पायलट, गहलोत और हाईकमान के लिए बड़ा संदेश देंगे। बता दें कि 2020 से लेकर अब तक पायलट लगातार बागी तेवर दिखाते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि पिछले 3 सालों में वो मजबूत होने के बजाय विधायकों की संख्या बल के आधार पर काफी कमजोर हुए हैं। 2020 में 30 विधायकों का दावा करने वाले पायलट के पास अब आधे विधायकों का साथ बचा है। यानी 3 साल में उनके खेमे वाले 15 विधायक या तो गहलोत की शरण में जा चुके हैं या न्यूट्रल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो अपने ही उठाए हुए बगावत के तूफान को पिछली बार से बड़ा कर पाएंगे, या इस बार उनकी बगावत छोटे भंवर की तरह शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे राजनीति की किसी दिलचस्प नई कहानी और किरदार के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।